पलक, तुम सच में मेरे सामने हॉट एंड सेक्सीनेस बन के बैठी हुई हो या कोई सपना देख रहा हूँ? कुछ भी स्टुपिड, सच में हूँ यहाँ पे। मुझे लगा मैं लैपटॉप पे बैठा हूँ। तुम्हें मारने का भी मन नहीं कर रहा है अभी तो। मैं हॉस्पिटल में हूँ। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हें कुछ याद नहीं है? और तुम वहाँ क्यों गए थे? तुम बोल के गए थे कि रोहित के साथ जा रहे हो और अकेले चले गए, झूठ बोला तुमने। नेहरू पार्क में क्या कर रहे थे तुम? एक एक करके पूछो, अगर मैं मर गया तो तुम दूसरी शादी कर लेना। ऋत्विक, प्लीज डोंट इवन से दिस, ओके? अगर मैं मर भी गया और अगर तुम्हें कोई चोमू मिल भी गया शादी करने के लिए, तो मैं आ जाऊंगा, भूत बन के आऊंगा, तुम्हारे बेडरूम में रहूंगा। मेरा पैर क्यों दर्द कर रहा है इतना? डोंट वरी, मैं आ गई हूँ ना, आई विल चेक योर फाइल्स, तुम ठीक हो जाओगे। मेरा जो ब्लड ग्रुप है ना, वो सिर्फ किम कार्डशियन के साथ मैच करता है, रेयर है। यू नो व्हाट, यू आर सिक। बिल्कुल मेरे जैसे, मैं भी किसी के साथ मैच नहीं किया, किया भी तो तुम्हारे साथ। तुम हॉट लग रही हो बहुत। तुम ये बकवास बंद करो। ब्लड लॉस हुआ है, कोई टीवी सीरियल नहीं चल रहा जो तुम आरती करके बचा लोगी मुझे। अगर मैं मर गया तो जस्ट शट अप। अब अगर तुमने एक भी वर्ड बोला ना, आई जस्ट फ्रीकिंग किल यू राइट नाउ। बोलूंगा। मैं कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें, ठीक है? और यू नो, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड। मुझे मां दिखी थी। क्या मतलब? मानती हूँ, मेरा एक्सीडेंट। मॉम ब्रो, देखा कैसे छुपा के अंदर लेके आ गए? हाँ, कभी कभी तो मुझे लगता है जेम्स बॉन्ड। ओके, अब अगर मैंने इतना बड़ा कार्य सफल कर ही दिया है तो कुछ पुरस्कार दे दो। तुझे मेरी जान बचाने के लिए पैसे चाहिए? हाँ, मैं कोई काम फ्री में नहीं करता हूँ। हेलो, मेरी तो ये पॉकेट मनी बढ़ाओ। शिवम, ये नेगोशिएशंस हम बाद में करेंगे, पहले तुम मॉम को बुला के ले आओ, ऋत्विक को नहीं याद कर रहे। अभी वो मम्मा तो पापा को। ओके, होल्ड ऑन, मैं देख के आता हूँ, ठीक है? हाँ। पलक, माँ। आई नो, भेजा है ना अभी शिवम को? ममता मॉम नहीं, गीता माँ। मैंने गीता माँ को देखा। जिस बात का मुझे डर था कि ऋत्विक अपनी माँ को देख लेगा, शायद ऋत्विक ने अपनी असली माँ को देख लिया और अब वो हॉस्पिटल में है। ऋत्विक नहीं हो सकती है वो कैसे आएंगी वहां पे? मुझे गीता मॉम दिख रही है। तुम यहाँ ऐसे हॉट सेक्सी नर्स बन के बैठी हो, समझ में नहीं आ रहा सही क्या है गलत क्या है। तुम कुछ मत सोचो अभी, डोंट स्ट्रे ना। मैं पागल नहीं हूँ। लगता है मामा पाकिस्तान ही निकल गई। किधर किधर जा रहे हो? अंदर। क्यों? मुझे पलक की आवाज सुनाई दे रही है अंदर। भाभी, मैं अभी अंदर से आ रहा हूँ ना आपके सामने से। भाभी आएंगे अंदर से? मैं था वो देख रहा था ऋत्विक भाई कैसे। इट्स फाइन, कोई जरूरत नहीं है अंदर। यू नो व्हाट, इधर आ, कैंटीन में चलते। दादी सबको कचौरी पार्टी दी थी, दादी को जल्दी कचौरी इतनी पसंद आ गई कि सबको बुला लिया खाने के लिए। मतलब हॉस्पिटल के कैंटीन को हॉस्पिटल में कचौरी पार्टी। हाँ, मतलब अपना पर्सनल कैफेटेरिया समझ रही दादी। आई मीन इतना स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल का, देखो कैफेटेरिया। अब कल को स्पा खोल देंगे, फिर स्विमिंग पूल आ जाएगा, हेलीपैड आ जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तुझे पता है तू कितनी बहकी बहकी बातें कर रहे है? स्टूपिड। नहीं भाई, भाभी कहाँ है यहाँ पे? वेयर इज भाभी, बताओ। नहीं है भाभी, चलो ना कुछ खा के आते हैं। उसकी आवाज सुनिए, आई एम श्योर
वो यहीं कहीं। एक एक मिनट, किधर? आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आई डोंट फॉर यू। ये देखो टना, कहाँ है भाभी? कहाँ पे है भाभी? एक जगह बची है, यहाँ पे। अरे यहाँ पे तो भाभी हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती ना भाभी यहाँ पे। हाँ, इतनी सी जगह, भाभी कैसे फिट होगी? भाभी यहाँ पे नहीं है। मैंने पलक की आवाज सुनी थी। यार क्या आवाज सुनी आपने? जब मैं बोल रहा हूँ भाभी नहीं है तो नहीं है ना, समझ लो ना। क्या? सॉरी भाई, इतना स्ट्रेस है, आपको पता है ना, सब सब लोग हॉस्पिटल में, भाई भी ठीक नहीं है। एंड ओके, आई हैव टू टेल यू दिस, भाई है ना डिस्टर्ब हो गए मेंटली। वो ना भाभी से बातें करने लग गए। नहीं, भाभी से बातें कर रहे हैं लेकिन भाभी है नहीं तो भी उनसे बातें कर रहे हैं। बात करते हैं भाई, भाभी की भी आवाज खुद ही निकाल के अपने आप से, अपने पागल हो गया क्या? पलक बन के अपने आप से बात? नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड, खुद ही रित्विक है, खुद ही पलक है, अपने आप से बातें कर रहे हैं। एंड इतनी बुरी हालत हो गई है, फिर मैंने सोचा कि हमारे भाई हैं, थोड़ी मदद कर लेता हूँ इनकी। फिर मैं भी भाभी की आवाज़ निकाल के इनसे थोड़ी रोमांटिक बातें करने लग गया। तू पलक की आवाज़ निकाल रहा? इट्स अ टफ टाइम फॉर हिम, मदद तो करनी पड़ेगी ना। मैंने अपना टैलेंट दिखा दिया और अपनी, व्हाट, होल्ड ऑन, यू डोंट बिलीव मी? लाइक यू सीरियसली डोंट बिलीव मी? नो, आई डोंट बिलीव यू। गॉड, ऋषभ भाई, ओके, अब मैं आपको अपना टैलेंट दिखाऊंगा। वेट, तू ऋत्विक का भाई बनना रिजर्व ही नहीं करता। क्या कहा तूने? तू उसके भाई बनने के लायक ही नहीं है। पागल हो गया? तू मुझसे कह रहा है? You telling me? ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू नहीं होता तो ऋत्विक यहाँ नहीं होता। तूने उसे घर से बाहर क्यों निकाला? इधर, इधर। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। हाँ इधर। वो कैरेक्टर इधर। सॉरी सॉरी सॉरी। क्या बकवास कर रहा है तू? अरे काहे का सॉरी सॉरी ऋषभ, नो, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। छोटे बड़े की कोई तमीज नहीं है तुझे? अभी जाके मॉम को बोल दूंगा तुझे बोर्डिंग भिजवा दे, इडियट। मिसेस पलक नून, क्या निकाल दिया मेरा जुनून? हाँ, क्या किया मेरे साथ ये? हाँ, क्यों मार खिलवा रहे हो मुझे? क्या बिगाड़ा मेरा? यहाँ सारी अंदर की भड़ास निकाल दी ना, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं जब हॉस्टल जाऊंगा तब भी बहुत अच्छा लगेगा। सॉरी सॉरी, भलाई का जमाना ही नहीं है यार, वो एकदम से निकल गया। जाने ऐसे कौन बोलते कि ऋषभ नून, ऋषभ नून, मैं कैसे बोलूंगा उनको कर रहे हो? कोई ना, मैं ऋत्विक को बोलूंगी, जब वो ठीक हो जाएगा वो सब कुछ ठीक कर देगा। ऋत्विक है ना? ऋत्विक, ऋत्विक भाई, ऋत्विक भाई, ऋत्विक भाई, भाई प्लीज कर, ऋत्विक, अरे अब डॉक्टर ना प्लीज देखो ना क्या हो रहा है यार भाई। मैं आता हूं। Guys, भाई सीरियस है। क्या? आइए डॉक्टर, क्या बोल रहा? क्या हुआ रिकी को? क्या हुआ? डॉक्टर, डॉक्टर, इट्स अ केस ऑफ ब्रेन हेमरेजिंग। इन्हें इमीडिएटली ओटी में शिफ्ट करना होगा और ब्लड भी अरेंज करना होगा, ए बी नेगेटिव। सब मिलना बहुत मुश्किल है। किसी भी तरह ब्लड अरेंज करो। मिस्टर नून, प्लीज आप ब्लड मैच करवाइए, आपके फैमिली मेंबर किसी का भी। इट्स अ रेयर ब्लड ग्रुप, बहुत मुश्किल से किस कहां से मिलेगा। लेकिन आप कौन है? मैं इनकी वाइफ हूँ, पलक नून। अरे पर ऐसे क्या हो गया? ओटी में दोबारा क्यों ले गए उसे? अब तो ठीक था, व्हाट हैपेंड? वहाँ पलक रिकी के कंपनी में आई थी। हाँ तो आई डोंट केयर अबाउट दैट, हुआ क्या रिकी को? ही इज हेमरेजिंग। व्हाट?
डॉक्टर उसे ओटी लेके गया, लेकिन पलक के आने से पहले ही वाज एब्सोल्युटली फाइन। उसके आने के बाद ये सब कुछ हुआ है। उसने शिवम तक को पटाके रखा हो, वो मुझसे झूठ बोलने लग गया। विल यू जस्ट शट अप? तो मतलब विकी का ऑपरेशन वापस होगा? जी डॉक्टर, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। डॉक्टर ने क्या कहा? ऑपरेशन के बाद ही पता चलेगा। डॉक्टर साहब क्या हुआ? देखिए खून काफी बह गया और उनका ग्रुप भी रेयर है, ए बी नेगेटिव। सर आखिरी लॉट हमने सर्जरी में यूज कर लिया है और वो ब्लड बैंक के पास और नहीं है। ओह माय गॉड। रोहित अरेंज हुआ ब्लड। वो ब्लड बैंक वाले को कॉल करो ना एक बार, जस्ट ट्राई वंस। हमारी फैमिली में ये ब्लड ग्रुप किसी का नहीं है डॉक्टर। ऋत्विक का ब्लड ग्रुप अपनी माँ से मिलता है। माँ का ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव है। ढूंढिए उसे। लेकिन कहाँ? मैं नहीं जानता कि गीता अब कहाँ है। कहाँ जा रही हो? मैं जानती हूँ वो कहाँ है। कौन? ऋत्विक की सगी माँ गीता जी, वो कहाँ है मुझे पता है। मैं जाके उन्हें लेके आ सकती हूँ। आई गेट हर। बट आज तो मुझे ममता ने देख ही लिया था, इसलिए मैं घर आ गई। विक्रांत अगर वो मुझे देख लेती, I don't know what I would have done. तारी का फोन। हेलो व्हाट? आई थिंक बहुत सीरियस है और उससे ब्लड चाहिए। ए बी नेगेटिव, मेरा ब्लड ग्रुप। अरे मैडम, अरे मैडम कहाँ जा रही हैं आप? प्लीज सेविन, आप उसे बचा सकती हैं। प्लीज सेविन, बहुत उसको आप ही बचा सकती हैं। उसको इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई है नीचे। ब्लड प्लीज प्लीज सेव हिम, प्लीज सेव हिम। एक मिनट, देयर इज अ ब्लड बैंक देयर, वहां पे बहुत सारे लोग हैं। नहीं, ब्लड अवेलेबल नहीं है सर। सिर्फ आप उसकी माँ ना, आपका ब्लड ग्रुप मैच करेगा उसके। प्लीज प्लीज सेव हिम। पापा जी आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, ब्लड अरेंज हो गया है, वो बस आ ही रहा होगा। तुम्हें इतनी बड़ी बात पता थी और तुमने मुझे बताया नहीं। रोहित, इस बारे में ऋत्विक को भी नहीं पता। इनफैक्ट फैमिली में किसी को नहीं पता इस बारे में। इस वक्त इस चीज का इशू बनाने का कोई फायदा नहीं। जस्ट अंडरस्टैंड कि पलक ने जो भी किया है कुछ सोच समझ के किया है। ये तो शुक्र मनाओ कि ए बी नेगेटिव का ब्लड मिल गया हमें, उसकी लाइफ बच गई है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि पलक उनको कैसे लगा। लिसन, वो सब बातें हम बाद में कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू। थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, सब उस पलक की वजह से हो रहा है। उस लड़की का मनहूस साया भी मेरे बेटे को बर्बाद कर देगा। कहाँ है? पापा जी आ रही। मैं जाके देखता हूँ उसे। मैं उस लड़की का साया भी अपने बेटे पे नहीं पड़ने दूंगा। एक्सक्यूज मी, इसे मैं लेके जाती हूँ। सुनिए, ये ब्लड बैंक कहाँ? सर आगे से लेफ्ट। यहाँ पर? यस सर। थैंक यू सिस्टर। देखिए
समझिए, आप ऐसा नहीं कर सकती। वो उसकी बीवी है, उसकी धन पत्नी है। अपने बेटे को बचाने आई हूं। तुम्हारा बेटा? हाँ, जो इस वक्त तुम्हारी वजह से इस हाल में पड़ा हुआ है। तुम ऋत्विक को बचाने आई हो? तुम्हें एक बात याद दिलाऊं, वो इतना सा था जब तुम उसे छोड़कर चली गई थी। तुम उसे बचाओ? साफ साफ कहो क्यों आई हो यहां। मैं अपने बेटे की जान बचाने आई हूं। खून है वो मेरा, और इस वक्त उसे मेरी जरूरत है। उस वक्त जरूरत थी, अब नहीं है। इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर? मैंने उसे मजबूरी में छोड़ा था, और तुमने क्या किया? प्यार करने की गुनाह की सजा दी है उसे, क्योंकि जिंदगी में उसने एक काम तुम्हारी मर्जी से नहीं किया था, इसलिए बेदखल कर दिया उसे, अकेला छोड़ दिया। तुम होती कौन हो? How dare you? चली जाओ यहां से। ना मुझे तुम्हारी जरूरत है, ना ही मेरे बेटे को। इस वक्त उसे सिर्फ मेरी जरूरत है, मेरे खून की जरूरत है। अब वो जरूरत तुम तो पूरी कर नहीं सकते। हाँ, मैं उसे छोड़ के चली गई, पर उस वक्त मेरी मजबूरी थी। लालच था, मजबूरी नहीं थी। कम से कम मैं अपनी खामियां जानती तो हूं विजय, इसलिए तुम्हारे पास छोड़ के गई थी, क्योंकि उसकी परवरिश मुझसे बेहतर तुम कर सकते थे। उसे छोड़ के गई थी तुम्हारे पास, तो तुमने क्या किया? उसके अंदर इतना जहर घोल दिया कि वो अंदर से टूट गया था। और जब किसी ने उसे जोड़ने की कोशिश की, जब उसकी जिंदगी में प्यार आया, तब तुमने उसे छोड़ दिया। तुम मुझे यहाँ ये सिखाने आई हो कि मुझे अपने बेटे की परवरिश किस तरह करनी चाहिए? मैं सिर्फ अपने बेटे को बचाने आई। ये बहस करने की जगह नहीं है। इस वक्त ऋतिक की तबीयत ठीक नहीं, चलिए आप यहाँ से। हमें उसके साथ रहना चाहिए। इस वक्त सिर्फ मुझे उसके साथ रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने दूंगा उसके ऊपर। अगर मेरा साया उस पर नहीं होता ना, वो कब का खत्म हो चुका होता, जो तुमने अपने अहम में, अपने भ्रम में उसे बर्बाद करने की ठान ली थी ना। तो मैंने उसे बचाया है, तुमने क्या किया? तुमने तो उसका सब कुछ छीन लिया, घर, नौकरी, यहाँ तक कि तुमने तो अपनी बहू की बेइज्जती भी करवाई ताकि वो नौकरी छोड़ के चला जाए। ये सब कायरों वाले खेल ना तुमने अपने बेटे के साथ खेले, इसलिए प्लीज, मुझे तो तुम कुछ भी कहने का हक हो चुके हो। कभी कभी अपने बच्चों को सीख देने के लिए सख्ती बरतनी पड़ती है। मैंने भी वही किया। मैं रिकी को सिर्फ इतना समझाना चाहता था कि अगर उसके पास पैसे ना रहे तो पलक भी उसे ठीक उसी तरह छोड़ देगी जिस तरह तुमने मुझे छोड़ा था। गीता जी, आप अभी आई थी ना ऋतिक के रूम में, अपने बेटे को नजर भर देखते हैं। वो आई है इतने सालों के बाद, क्या चाहती हैं आप? छोड़ के चली गई थी ऋतिक को 8 साल की उम्र में, तो अब क्यों करेंगे? सुन पाओगी?